प्रणमो लोये श्रौत्रिकाड़वर्ती अर्हंताणम प्रणमो लोये श्रौत्रिकाड़वर्ती सिद्धाणम प्रणमो लोये श्रौत्रिकाड़वर्ती आयिर्याणम प्रणमो लोये श्रौत्रिकाड़वर्ती वज्जायाणम प्रणमो लोये श्रौत्रिकाड़वर्ती शवशायाणम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं जायन्ति तामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो मंगलं कुंकुंदारियो जैनधर्मोऽष्ट मंगलं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयो जय शाश्वत नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च पराशक्ति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचित्ते एको मे शाश्वत पादान दर्शन रखनो शेषां बालिरावा सभी चलोग्य ओम श्री नम शिव्य नम शिव्य नम शिव्य। मुझे गुरुदेव श्री का ये ज्ञान गोष्ठी में से अपनी चर्चा चल रही है उसमें अपना तीन बोल पहले चला था, आत्मानुभूति का तीसरा प्रकरण है उसमें से, अभी उससे आगे थोड़े बोल है उसमें अपन पहले एक सौ तीन नंबर का बोल लेते हैं। 103 नंबर का बोल है, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री को प्रश्न किया गया कि आत्मा का संस्कारों को दृढ़ करने के लिए क्या करना। ये सबका प्रश्न होता है, संस्कार क्या होता है, संस्कार को कैसे दृढ़ करना, पूर्व की पर्याय के संस्कार वर्तमान पर्याय में काम आते हैं कि नहीं, तो ये संस्कार क्या होता है और संस्कार को कैसे विचार में लेना और संस्कार को दृढ़ करने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री को प्रश्न उठाया है। पूज्य गुरुदेव श्री वहाँ जवाब देते हैं कि वस्तु स्वरूप का निर्णय को दृढ़ करना। अगर तुझे निर्णय हुआ है वस्तु स्वरूप का, यहाँ वस्तु स्वरूप माने एक बात ये ली है कि आत्मा शुद्ध है, नायक है और एक है, और उसका सभी प्रकार से बार बार निर्णय करके वो निर्णय को दृढ़ करना, ये वस्तु स्वरूप माने अपना त्रिकाली स्वभाव यहाँ कहा है, उसको पहले में पहले निर्णय में लेना, निर्णय में लेके उसका निर्णय को दृढ़ करना, दृढ़ करके शुद्ध है, आत्मा एक है, आत्मा नायक है, ऐसा चारों तरफ से बार 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 उसका ही विचार करना, उसका ही विचार करके उसका निर्णय किया है और वो निर्णय की दृढ़ता होती है तो उसको पक्का निर्णय होता है, उसको कहा जाता है कि संस्कारों को ये जीव ने दृढ़ किया है। देखो ये एक छोटा सा बोल है, उसके बाद का बोल बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले में पहले तो संस्कार की बात पूछी तो गुरुदेव ने नायक का संस्कार डालना ये बोला, उसका निर्णय करना, क्योंकि वो निर्णय ही काम आता है और कोई निर्णय काम आता नहीं है, और जो भी निर्णय होता है वो वहाँ आने के लिए काम के है, और जो भी निर्णय होते हैं ना, जैसे द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय है, उत्पादवे द्रव्य उत्तम सत का निर्णय है, नैनिक से प्रमाण का निर्णय है, स्वद्रव्य परद्रव्य का निर्णय है, स्वभाव विभाव का निर्णय है, ये सब निर्णय भी प्रथम भूमिका में होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है, मगर वो निर्णय ये निर्णय के लिए काम आता है, वो निर्णय में से ये वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है मूल में। जैसे उत्पादवे द्रव्य उत्तम सत्य मालूम पड़ गया कि पर्याय में एक समय में उत्पाद होता है, दूसरे समय में वो पर्याय व्यय हो जाती है और ध्रुव सत्ता ऐसी नैसी रहती है, तो ये तो पता चल गया, अभी उसमें महत्व किसको देना, तो कि उत्पाद व्यय तो पर्याय का स्वभाव है, ध्रुव है वो द्रव्य का स्वभाव है, तो मेरा संस्कार का जो अंदर पड़ा है या तो जो पड़ रहा है उसका परिणमन कैसे होगा, तो परिणमन तो उत्पाद में होता है,
मगर उसका आश्रय क्या है, तो उसका आश्रय त्रिकाली द्रव्य है। तो कि सबसे पहले में वो वस्तु स्वरूप का निर्णय करना, वो निर्णय हो गया फिर ये निर्णय करना, मगर यहाँ तो गुरुदेव एकदम पहले ही वस्तु स्वरूप का निर्णय करना यही बात कर रहे हैं। संस्कार की बात आई तो भी पर्याय को, उत्पाद व्यय को कि द्रव्य गुण पर्याय का प्रमाण वाला स्वरूप को याद न करके सीधा पहले में पहले वस्तु स्वरूप का निर्णय करना और उसको दृढ़ करना। माने कि गुरुदेव की शैली ऐसी है, गुरुदेव को पूछते थे कि ये सीधा हाथ में आ जाता है आत्मा, तो गुरुदेव बोलते सीधा ही हाथ में आता है, बीच में कुछ नहीं होता है, पर्याय में द्रव्य हूँ ऐसा करती है तो नायक हाथ में आ जाता है, बस इतना ही है। बीच में जो भी आता है उसको छोड़ना, उसको याद मत करना, सीधा में नायक हूँ बस इतना ही काम है तेरा। इसलिए यहाँ ये बात नहीं है कि वस्तु स्वरूप का निर्णय को दृढ़ करना, शुद्ध हूँ, एक हूँ, नायक हूँ, और चारे बाजू से बार 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 वो निर्णय पक्का करके उसको दृढ़ करना, उसका नाम संस्कार है, उसको संस्कार बोला जाता है। जब तक नायक का निर्णय नहीं हो, नायक का निर्णय की दृढ़ता नहीं हो, तब तक तो वो सब जगह घूमता ही रहता है, उसका उपयोग बाहर ही चलता रहता है। इसलिए यहाँ ये कहा। फिर दूसरा बोलाया है कि सत का संस्कार डालने से क्या लाभ होता है। देखो ये बहुत बड़ी बात है। पहले संस्कार की बात पूछी, फिर कहते हैं कि सत का संस्कार डाले तो उसमें फायदा क्या होता है। हमें तो फायदा चाहिए, हमें तो लाभ चाहिए। आप ये बात ऊँची ऊँची कर देते हो कि नायक है, एक है, निशुद्ध है, उसका निर्णय करो, उसका निर्णय दृढ़ करो, मगर वो संस्कार डालने से हमें क्या लाभ होगा, हमें क्या फायदा होगा, ये आप बताओ तो हम निर्णय करना शुरू करेंगे। ऐसा शिष्य ऐसा प्रश्न पूछता है कि निर्णय तो हमें करना है, निर्णय को हमें दृढ़ भी करना है, हमें अनुभूति भी करनी है, मगर उससे फायदा क्या है। ऐसा संसार की प्रीति बहुत होती है ना, संसार का परिभ्रमण चलता होने पर भी उसकी प्रीति छूटती नहीं जीव को। एक गुरुदेव बोलते एक म्यान में दो तलवार रखना चाहता है, आत्मा भी है और संसार भी है। उसको के एक दो घंटा आत्मा का काम करना, 10-15 घंटा संसार का काम करना, दोनों का रह जाएगा बराबर। इसलिए अपने को कोई परेशानी संसार में भी नहीं आएगी और आत्मा का काम भी एक दो घंटा कर लिया तो वो तो आ जाएगा काम में सब। ऐसा ऐसा विचारधारा चलती होती है बहुत से श्रोताओं की कि हम भी ये काम तो कर ही रहे हैं ना, हम नहीं कर रहे ऐसा थोड़ी है। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सत का संस्कार डालने से क्या लाभ होता है और वो सत का संस्कार कैसे डलता है अंदर, ऐसा प्रश्न उठाया। ये पूज्य गुरुदेव श्री का पैटर्न जवाब है। ये बहुत सी बार गुरुदेव ने ये बात बोली है और ये अनुभव में आती है सबको ये चीज। देखो कहते हैं जैसे कोरी माटली में पानी ना टीपा, आप क्या बोलते हो मालूम नहीं, में से जो बर्तन होता है पानी को रखने का, मिट्टी का बर्तन मटका लेके आते हैं अपन, तो वैसे गर्मी का टाइम होता है ना तो घर में नया मटका आ जाता है क्योंकि पानी ठंडा हो जाए, पीने लायक हो जाए, तो वो मटका नया लाया घर पे, तो उसमें पहले बार पानी डाला, फिर दूसरे दिन डाला, फिर तीसरे दिन डाला, तो वो पीने लायक नहीं होता। शुरू शुरू में आप पानी डालो तो 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक वो पानी पीने लायक नहीं होता, क्योंकि उसमें से कोई माने कि स्मेल ऐसी आती है, इसलिए वो पीने लायक अपन नहीं करते उसको, तो उसको अपन निकाल देते हैं। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, ऐसे ऐसे वो मटका लाके कोरी माटली में पानी ना टीपा पड़ता टीपा चूसाई जाए। वो मिट्टी ऐसी होती है कि वो पानी को चूस लेती है। ये दृष्टांत मैंने अभी 11वीं गाथा में भी दिया था वहाँ जबलपुर में कि बारिश जब आती है, बारिश तो पहली दूसरी तीसरी चौथी बारिश इतनी पड़ती है, मगर जो मिट्टी होती है ना मिट्टी, वो मिट्टी इतनी सूखी हुई होती है, इतनी सूखी हुई होती है कि पानी ऐसे जोर से भी पड़े ना तो 2-4 बारिश तक तो वो मिट्टी माने कि दिखती ही नहीं, गिली हुई ऐसा दिखता ही नहीं, माने कि वो पानी को एकदम पी जाती है, पानी दिखता ही नहीं उसमें। पानी होने पर भी पानी नहीं दिखता, इतनी उसको प्यास होती है पानी पड़े दी तो। ऐसे राग है ना, राग
वो राग ऐसा है कि उसको बार बार उसका निषेध करो ना आप, तो भी वो ज्ञान को अलग नहीं रखता है, वो राग मिश्रित ही ज्ञान हो जाता है। जैसे पानी मिट्टी मिश्रित हो जाता है कि पानी का अस्तित्व अलग दिखाई नहीं देता, जैसे मिट्टी ही दिखती है, मिट्टी ही दिखती है, पानी बहुत गिरा होने पर भी मिट्टी ही दिखती है, पानी दिखाई नहीं देता, हालांकि पानी है वहां पे, मगर पानी दिखाई नहीं देता, इतनी सूखी मिट्टी होती है कि वो पूरा पी जाती है पानी को। ऐसे ये जो जीव को राग चल रहा है ना, ऐसा ऐसा राग चलता है जीव को कि ज्ञान और राग की भिन्नता पता ही नहीं चलती, वो खा जाता है ज्ञान को राग, ऐसे खा जाता है, ऐसे खा जाता है, राग मिश्रित ही ज्ञान हो जाता है, ऐसा ज्ञान उसको, ज्ञान को वो खा जाता है राग कि ज्ञान को पृथक रहने नहीं देता। देखो अभी अभी ये राग चल रहा है ना सुनने का है, प्रयोग से बात करो अपन, अभी राग चल रहा है सुनने का है, अभी उसी समय ज्ञान तो है सबके पास, तो ज्ञान होने पर भी वो ज्ञान का विचार ही नहीं चलेगा जीव को, क्योंकि राग की परिणति चल रही है, तो वो ज्ञान को ऐसे ओझल कर दिया है उसने कि ज्ञान को देखने ही नहीं देती वो, तो राग का प्रकार ऐसा है। ऐसी ये मिट्टी है, मिट्टी में कितना भी पानी डालो तो मिट्टी पहले तो उसको चूस लेती है, तो ये क्या बोलते हैं गुरुदेव कि पहले में पहले तो तुझे इसकी विचारधारा इतनी दृढ़ता से बनानी पड़ी, इतनी दृढ़ता से बनानी पड़ेगी कि तेरे इतने संस्कार अंदर डलने चाहिए कि माने कि तेरी अंदर की भूमि है ना उसकी इतनी विशुद्धि ये तत्वों के संस्कार डाल के विशुद्ध हो जाए, कोई बाह्य संस्कार नहीं है कि बाह्य माने कि कोई क्रिया कर ली, बाह्य में कोई परिणमन हो गया, वो संस्कार तो अलग टाइप के हैं, मगर ये तत्व के संस्कार कि मेरा स्वरूप कैसा है, मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरी परिणति अब परलक्ष कैसे क्यों चल रही है, स्वलक्ष क्यों नहीं होती है, ऐसे अपनी वस्तु का स्वरूप जो ज्ञायक भाव चैतन्य सत्ता है कि जिसमें ज्ञान आनंद और सुख बह रहा है, वो सत्ता कैसी है उसका संस्कार विचार दशा करके पहले में पहले जीव को डलना चाहिए अंदर में, वो संस्कार बाद में आगे आके निकलता है। अगर संस्कार ही नहीं डाला हो तो वो पर्याय में शुद्धि आती ही नहीं, फिर भी वो एक पर्याय का संस्कार दूसरी पर्याय में बिल्कुल नहीं आता क्या, ये सब बात आएगी अभी, एक दो क्वेश्चन है इसमें, बहुत माने कि अच्छी चर्चा है। तो पूज्य गुरुदेव श्री बोलते थे मिट्टी का माने कि वो क्या बोले आप मटका लाए, मटका लाके उसमें एक बार पानी भरा, दो बार भरा, तीन बार भरा, तो वो पानी डालने वाले को भी पता है कि ये तीन चार दिन पानी डालेंगे ना बाद में ये पीने योग्य पानी इसमें होगा, तो वो बार 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 पानी डालते ही रहते हैं। ऐसे ये ज्ञायक भाव है, वो ज्ञायक भाव में हूँ, शुद्ध तत्व में हूँ, एक अखंड तत्व में हूँ, शाश्वत तत्व में हूँ, ऐसा संस्कार पहले डालना पड़ता है। जब तक वो संस्कार नहीं डलता तब तक वो संस्कार वाली परिणति अंदर से निकलती ही नहीं, इसलिए पहले में पहले ऐसा संस्कार डालना चाहिए। देखो एक विषय समझना एक बात होती है कि भाई द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप क्या है, उत्पाद व्यय क्या है, वो एक विषय समझने वाली बात है, वो विषय समझ के जीव निर्णय पे आता है, विषय समझ के विचार करके निर्णय की भूमिका आती है, फिर निर्णय की भूमिका में ये ज्ञायक को ये संस्कार डालना है। जब तक ये संस्कार नहीं डलेगा तब तक उसकी ज्ञायक में ऐसी प्रतीति अंदर से निकलेगी ही नहीं, इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि जैसे कोरी बाटली का पानी में टिपा पड़ते पड़ते चूस लेते हैं, ऊपर दिखते नहीं है, फिर भी मटकी में पानी के टिपे की विनाश अंदर रह जाती है, माने कि मटका गीला गीला को लगता है, उसका मतलब क्या है कि ये जीव अभी संस्कार वाला तो हो गया है, गीला गीला लगता है ना मटकी, तो संस्कार वाला ये जीव हो गया। क्यों, कैसे संस्कार वाला हुआ कि उसने संस्कार डाले,
कि मैं ध्रुव हूँ, मैं चैतन्य सत्ता हूँ, मैं परिपूर्ण तत्व हूँ, ये राग हो रहा है, वो राग हो रहा है, वो जानने में कहाँ आ रहा है, तो ऐसा मेरे पास ज्ञान है, तो वो ज्ञान का संस्कार हो गया। राग हो रहा है फिर भी जानने का काम ज्ञान करता है, तो ज्ञान की सत्ता कहाँ से आई, तो वो ज्ञायक में से आई है, तो कि वो ज्ञान मेरे पास है, ऐसा मैं ज्ञायक भंडार हूँ, ऐसा ज्ञान का भंडार हूँ। ऐसे एक संस्कार जीव का चले तो कहने में आता है कि पानी के टीपा की बिना सुंदर रही है, उससे भी ज्यादा माने कि पानी की बूंद उसमें गिरे तो ये मटका है वो गीला हो जाता है, और पानी है वो मटकी के ऊपर दिखने लगता है। ये बहुत संस्कार अंदर डालेगा, बार 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 ये प्रयत्न करके संस्कार अंदर डालेगा। ये पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी सुनने का बार 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 क्यों बोला जाता है, क्यों कहते हैं सबको कि पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी सुनो, ज्ञानी पुरुष है उसकी वाणी सुनोगे तो ऐसे संस्कार पड़ेंगे, ऐसे संस्कार पड़ेंगे कि बाद में तेरी पर्याय अंदर से ऐसी ही शुद्ध भाव वाली निकल पड़ेगी है? तो इसीलिए ये पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी निरंतर सुनना, उसका नाम ये संस्कार है। ये संस्कार पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी से अंदर में ऐसे गहरे चले जाते हैं, ऐसे गहरे चले जाते हैं कि उसका स्वकाल आने वाला ही है, इसलिए ये संस्कार जाते हैं अंदर। उसका स्वकाल में वो परिणति प्रकट होने के लिए उसकी लायकात खड़ी हो जाएगी, इसलिए गुरुदेव की वाणी में जो वज्र जैसी बात आती है, जो ठोस बात आती है, कि ढीली पोची बात आती ही नहीं उसमें। कोई बोलते हैं कि पर्याय द्रव्य से कथनचित अभिन्न है न साहब, पर्याय तो द्रव्य की है न साहब, द्रव्य के कथनचित नहीं हो तो कैसे अनुभूति हो साहब। पूज्य गुरुदेव श्री बोलते पहले तो सर्वथा भिन्न का प्रयास करो, सर्वथा भिन्न का प्रयास करोगे तो कथनचित अभिन्न आपो आप हो जाएंगे। पहले प्रयास ज्ञायक भाव में कोई पर्याय नहीं है ऐसा करो, और मैं चैतन्य तत्व हूँ, ध्रुव तत्व हूँ, अखंड तत्व हूँ, एक तत्व हूँ, शाश्वत तत्व हूँ, ये संस्कार डालो पहले अंदर। अनुभूति भले नहीं हो मगर संस्कार तो यही डालो। ये संस्कार जब तक अंदर नहीं डालोगे तब तक वो ज्ञायक में माने कि कुछ सड़बड़ाहट, माने कि क्या बोलते हैं, कुछ चहल पहल ही नहीं होने वाली। ऐसे संस्कार लगाएंगे ना तो पर्याय में भी ऐसा परिणमन होने का स्वकाल पक जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ऐसे जो जीव सत की उंडी जिज्ञासा करके सत का संस्कार उंडा गहनता से जिसने डाला होगा, वो जीव को जिसने ऐसे संस्कार डाले होंगे, गहरा संस्कार जिसने डाला होगा, उसका मतलब कि बार 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 अपने स्वरूप को याद किया होगा, उसका मतलब कि अपनी चैतन्य सत्ता की महिमा उसको अंदर से आई होगी कि मेरा स्वरूप तो ये सब हो रहा है, ये सब परिणाम चल रहा है, मगर मैं तो शाश्वत हूँ, मैं तो अपरिणामी तत्व हूँ, मेरे में कुछ नहीं हो रहा, मैं तो ऐसा ऐसा बच गया हूँ। ऐसा जिसको संस्कार अंदर में डाला जिसने, वो संस्कार वाले जीव को कदाचित उसकी वर्तमान में पुरुषार्थ की कचास के कारण उसको कार्य न भी होवे, माने कि सम्यक दर्शन का कार्य ये भाव में न भी होवे, सबको हो ही जाए ऐसा तो नियम नहीं होता, कोई 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 पर्याय को कोई आगे ला सके ऐसा भी कुछ नहीं होता, क्योंकि वो पर्याय तो क्रमबद्ध है, अनादिकाल से अनंत काल की सब अंदर विद्यमान रूप पड़ी है, विद्यमान रूप उसकी सत्ता पड़ी है और उसका क्रम आता है तब वो आती है प्रकट रूप। इसलिए कोई जीव संस्कार बहुत डाला हो मगर भी इतना पुरुषार्थ उग्र न हुआ हो और तत्समय की उसकी वो पर्याय की योग्यता भी उस समय में न हो, तो वो जीव को कदाच कार्य सम्यक दर्शन दान चारित्राणी मोक्ष मार्ग रूपी न भी आवे तो भी सत का उंडा डाला हुआ संस्कार दूसरी गति में भी प्रकट होगा। इसलिए सत का उंडा संस्कार अंदर में तू डाल, वो संस्कार क्या कि मैं शुद्ध तत्व हूं, ऊपर आया ना, एक ऊपर आया कि मैं शुद्ध हूं, मैं एक हूं, मैं ज्ञायक हूं, इसका चारे पड़खे से चारे तरफ से बार 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 विचार करके निर्णय को पक्का माने कि दृढ़ करना
सुगानी जी ने तो दो बात बोली है कि पहले एक यथार्थ निर्णय होता है, बाद में अनुभूति होती है, उसको पक्का निर्णय बोला है। यहां भी गुरुदेव यही बात करते हैं कि वस्तु स्वरूप का निर्णय को दृढ़ करना, शुद्ध हूं, एक हूं, नायक हूं, उसका चारे तरफ से बार 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 निर्णय करके वो निर्णय को दृढ़ करना। वो सुगानी जी की बात मैंने यहां बोली थी कि वहां आपने जबलपुर में चली थी, जबलपुर में चली थी, यहां यही बोल देते हैं। देखो सुगानी जी थे ना, तो ये बात आई ना कि ये बारंबार चारों पड़खे से बारंबार निर्णय पक्का करना, 103 नंबर का बोल में बात आई। उसका मतलब क्या होता है, सोगानी जी थे ना, सोगानी जी आपने सबने सुना होगा नाम, तो पढ़ा भी होगा उसका तीसरा भाग, पहला दूसरा तीसरा भाग, वो पत्र वाला है, दूसरा तीसरा भाग बोल है 645 बोल वाला, वो सब पढ़ा होगा। उसने सोगानी जी जब गए पूज्य गुरुदेव सिंह के पास सोनगढ़ की सभा में वो गए, वो एकदम ऐसे गुरुदेव की सभा चलती थी, इधर ही बैठे रहते थे, ऐसे ही सामने यहाँ बैठे रहते थे, वो दूर नहीं बैठते थे, यहाँ बैठ जाते थे। वो ऐसे बैठते थे जैसे समझ लो कि प्रतिमा ही बैठी हो, उनकी पहले से ही आदत थी, सम्यक दर्शन हुआ बाद में नहीं, पहले से ही ऐसी ही उसकी प्रवृत्ति थी। तो वो बैठे वहाँ, गुरुदेव का प्रवचन में ये बात आई कि ज्ञान बिन और राग बिन, क्या ज्ञान बिन और राग बिन, ये बात पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में एक बार आई, दो बार आई, तीन बार आई, माने कि बार बार विषय वही चलता था, तो गुरुदेव बार 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 वो बात कर रहे थे। अभी वो सोगानी जी ने वहाँ बैठे बैठे वो विचार किया, देखो ये निर्णय कैसे करना, उसकी दृढ़ता कैसे हो गए, और उसमें पक्का निर्णय में वो निर्णय परिणमित कैसे हो गए, इसकी चर्चा चल रही है। क्योंकि अपने सामने एक ऐसा उदाहरण है सोगानी जी का कि एक तो एकावतारी पुरुष और उसमें भी पूज्य गुरुदेव श्री का निमित्त बना, गुरुदेव श्री का निमित्त बना, वो बहुत महत्व वाली बात है कि गुरुदेव के निमित्त से वो जीव को एकावतारीपना हो गया, समझ गए, वो तो उनके पुरुषार्थ से हुआ मगर वो पुरुषार्थ में निमित्त पूज्य गुरुदेव श्री थे। तो वो सभा में बैठे बैठे जब गुरुदेव का प्रवचन में आया कि ज्ञान बिन है राग बिन है, ज्ञान बिन है राग बिन है, तो वहां बैठे बैठे उसने विचार किया कि ये जो गुरुदेव है वो कह रहे हैं कि ज्ञान बिन और राग बिन है, तो उसके तो ज्ञान और राग भिन्न ही होंगे, इसलिए तो वो कह रहे हैं, ज्ञानी पुरुष है वो तो कोई गलत तो बोलेंगे नहीं, तो उसके तो राग और ज्ञान भिन्न है और वो भी जीव है। और उसने वहाँ विचार किया कि मैं भी जीव हूँ, अगर वो जीव के ज्ञान और राग भिन्न है तो मैं जीव हूँ तो मेरे भी ज्ञान और राग तो भिन्न ही होने चाहिए, ऐसा विचार किया उसने वहां। उसने ऐसा विचार नहीं किया कि वो तो ज्ञानी है और मैं अज्ञानी हूं, ऐसा विचार नहीं किया। ऐसा विचार करने वाले को ये निर्णय ही नहीं होता। उसने ऐसा विचार किया क्योंकि आजकल ऐसा चलता है, ये तो ज्ञानी की बात है, ये तो ज्ञानी की बात है, ये तो ज्ञानी की बात है, अज्ञानी को क्या पता है, ऐसे नहीं होता। ज्ञानी की बात है माने कि ज्ञानी की विपरीत मान्यता निकल गई है और अज्ञानी को विपरीत मान्यता चल रही है, अंतर इतना ही है, और ज्ञानी होने के लिए भी विपरीत मान्यता को निकाल दे तो वो ज्ञानी हो जाता है उसी समय, कोई बड़ी कोई इसमें बात नहीं है, मगर ज्ञानी की बात है, ज्ञानी की बात है। उस अपेक्षा से जैसे अज्ञानी के पास कुछ है ही नहीं, ऐसा अज्ञानी को हो जाता है कि ये मेरी बात तो नहीं है, मेरे से तो कुछ नहीं होगा। तो सोगानी जी ने ऐसा नहीं सोचा, उसने ये सोचा कि वहाँ जीव है तो जीव के ज्ञान और राग अलग होते हैं, तो यहाँ भी मैं जीव हूँ तो मेरे भी ज्ञान और राग अलग ही होने चाहिए, ऐसा निर्णय सभा में बैठ के उसने कर लिया। वो निर्णय करके फिर वो समिति के रूम में गए, फिर उसको किसी ने पूछा कि भाई ये जब आपको निर्णय हुआ था तब क्या हुआ था, तो उसने बोला कि
कि जब मैं गुरुदेव के प्रवचन में बैठा था तब ये बात चली कि नाम दिन और रात दिन, तो ये मेरी विचार दशा ऐसी चलने लगी कि बाद में गुरुदेव ने क्या कहा वो मुझे कुछ पता ही नहीं है। क्या मुझे मालूम ही नहीं है गुरुदेव ने प्रवचन में क्या बोला। मेरी ऐसी विचारधारा चलने लगी, ऐसी विचारधारा चलने लगी, इतना मेरा निर्णय का काम चलने लगा कि ज्ञान बिन राग बिन, ज्ञान बिन राग बिन, ज्ञान बिन राग बिन, ऐसी भेद ज्ञान की धारा चलने लगी। मुझे कुछ पता नहीं है बाद में गुरुदेव ने क्या बोला है, मुझे मैंने इतना ही सुना है कि ज्ञान बिन और राग बिन। इसको बोला जाता है पुरुषार्थ, इसको बोला जाता है उसकी पात्रता। माने कि उनको जो अपनी बात मिली तो दूसरी बात सुनने पर से भी उपयोग उठा लिया उसने कि मेरी बात मुझे ख्याल में आ जा रही है, फिर दूसरी बातें मैं क्यों सुनूं, मैं तो मेरा प्रयोग करूं ने, मैं विचारधारा करूं ने, मैं निर्णय करूं ने। तो वो ऐसे ही वहां विचार करके निर्णय करके उठे, वो उठ के फिर वहां गए और वहां जाके उसने क्या किया है पूरी रात उसने क्या किया, जो सभा में बैठ के निर्णय किया था कि ज्ञान बिन और राग बिन, ज्ञान बिन और राग बिन, वो निर्णय को उसने दृढ़ किया है और कुछ नहीं किया, यही बात को दृढ़ की कि ज्ञान बिन है राग बिन है, ज्ञान स्वलक्षी है राग परलक्षी है, पर में मेरा कुछ नहीं है, स्व में मेरा सब कुछ है। ऐसे ज्ञान और राग की भिन्नता, ज्ञान और राग की भिन्नता, ज्ञान और राग की भिन्नता, ऐसी विचारधारा निर्णय पूर्वक उसकी चलने लगी, चलने लगी, चलने लगी। पूरी रात में उसको ये विचारधारा चली और सवेरे सवेरे ही उसका निर्णय दृढ़तर और दृढ़तम होके अनुभूति की किरण फूट गई उसको। तो ऐसे ये बोला ना यहाँ, वस्तु स्वरूप का निर्णय को दृढ़ करना, मैं नायक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं एक हूं, चारे तरफ से उसका विचार करके बार बार निर्णय को पक्का कर लेना। तो उसने पहले निर्णय किया, फिर उसने उसकी बुक में लिखा कि पहले यथार्थ निर्णय होता है जो उसको हुआ था गुरुदेव की सभा में, और बाद में वो निर्णय पक्का हो जाता है। वो यथार्थ निर्णय की धारा आगे चलाते 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 अनुभूति हुई, तो अनुभूति को उसने पक्का निर्णय बोला। ये यहाँ 103 नंबर के बोल में कहना चाहते हैं कि वस्तु स्वरूप का निर्णय दृढ़ करना, शुद्ध हूँ, एक हूँ, नायक हूँ, उसका चारे तरफ से बार बार निर्णय करके वो पक्का करके उसको दृढ़ करना, वो कैसे होता है कि ऐसे संस्कार भी जीव के अंदर में होते हैं, डले हुए होते हैं पहले, मगर पुरुषार्थ तो वर्तमान पर्याय में होता है। संस्कार से कोई पर्याय प्रकट हो जाती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, वर्तमान पुरुषार्थ वर्तमान पर्याय का ही पुरुषार्थ से कार्य होता है। वर्तमान पर्याय का पुरुषार्थ से कार्य होवे तब ऐसा कहा जाता है कि ये जीव ने पूर्व पर्यायों में संस्कार डाले थे, उसके पहले वो उपचार लागू नहीं पड़ता, इसलिए वो संस्कार के भरोसे माने कि बैठने जैसा नहीं है कि भाई मेरे तो संस्कार पड़ रहे हैं, मेरे तो गुरुदेव की बात सुनता हूँ, मैं तो इतना मेरा तो परिणाम ऐसे ही चल रहा है, मुझे तो अभी विकल्प चलता है तो भी नायक का ही चलता है और कोई विकल्प ही नहीं आता है, तो उसको विकल्प की मुख्यता है, नायक की मुख्यता नहीं है, हैं? क्योंकि विकल्प तो वही आता है कि मैं नायक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, तो उनको मुख्यता विकल्प की है, नायक की मुख्यता नहीं है, क्योंकि विकल्प ऐसा आता है, विकल्प ऐसा आता है तो विकल्प की मुख्यता हो जाती है। इसीलिए संस्कार है संस्कार नहीं है ऐसा नहीं है, मगर एक पर्याय का संस्कार दूसरी पर्याय को कुछ दे सकता नहीं है, मगर ये संस्कार जो है पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी का, इसका जिसको निर्णय होता है, इसका जिसको वर्तमान में मैं शुद्ध हूँ, एक हूँ, परिपूर्ण हूँ, नायक हूँ, भूतार स्वभावी हूँ, अपरिणामी तत्व हूँ, ऐसा जिसको संस्कार अंदर में पड़ता है उसकी तो निकटता में ही पर्याय शुद्ध रूप प्रकट होके ही रहेगी। ऐसे गोल करार ज्ञानियों ने कहे हैं कि तू ऐसा संस्कार डालेगा
तो तेरी भविष्य में अल्प काल में ही तेरी पर्याय में शुद्धता प्रकट होने का काल पकेगा पकेगा और पकेगा ही। वो गुरुदेव ने बोला है एक बोल में कि अगर तू वास्तविक प्रमाणिकता से पुरुषार्थ करे तत्व का और तुझे सम्यक दर्शन न मिले तो हमारे पास आना है। श्रीपद जी ने भी बोला है और गुरुदेव ने भी बोला है कि मेरे पास आना, मेरे पास से ले जाना सम्यक दर्शन, नहीं मिले तो। इसलिए ये सब बातें ऐसी है, सब में निर्णय की भूमिका होनी चाहिए, निर्णय के बिना कुछ काम होता नहीं है। देखो निर्णय है ना, ये और भी एक अपन चर्चा कर लेते हैं, ये संस्कार वाली बात तो है ही। निर्णय कैसे होता है जीव को, ये दृष्टांत आप लोगों ने सुना भी होगा, अगर निर्णय की अपेक्षा से शायद नहीं सुना होगा, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोग देते हैं ये दृष्टांत। देखो ऐसा है कि आपको करेली आपका गांव है, अभी समझ लो कि आपको एक जिन मंदिर की स्थापना करनी है, तो पहले तो जिन मंदिर की जगह कहाँ करना, कैसे अपने को मंदिर बनाना, कैसी जगह में कहाँ क्या करना, ये सब तो नक्की हो जाता है। फिर बात आती है प्रतिमा की स्थापना की, कि अभी अपने को कितनी प्रतिमा स्थापित करनी और वो प्रतिमा अपन कैसे बनाए, कहाँ से लाए। आजकल तो क्या हो गया, जयपुर में तैयार प्रतिमा जी मिलती है। पहले के ज़माने में तो क्या था, श्रीमंत लोग थे ना, वो खुद वो माइंस में जाते थे साथ में शिल्पी को लेके, कि मैं आपके साथ में चलता हूँ, वो शिल्पी को साथ में ले जाते हैं प्रतिमा बनाने वाले को, कि अपन साथ में चलते हैं और वो माइंस माने कि खान बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, खदान होती है ना, वहाँ अपन जाके अपन नक्की करे कि कैसा वहाँ से मार्बल लाना और उस पे से कौन सी प्रतिमा बनाना, कैसे बनाना। समझ लो 31 इंच की प्रतिमा बनानी है पद्मासन, 41 इंच की बनानी है, 21 इंच की बनानी है, जो भी बनानी है, तो उसके अनुसार वो वहाँ खदान में जाके मार्बल उसको पसंद करना पड़ता है। तो वो पहले के ज़माने में तो जिसको मंदिर की स्थापना प्रतिमा स्थापना कर रही हो ना, वो खुद साथ में जाते थे, फिर साथ में जाके वो भी साथ साथ शिल्पी के साथ घूमते थे और उसको एक खदान में गए, दूसरे में गए, तीसरे में गए, फिर वो शिल्पी ने वो मार्बल का माने कि पत्थर पसंद कर लिया, बाद में वो यहाँ वापिस आते थे। तो जब वो शिल्पी पत्थर पसंद करने जाता है ना, तब वो मार्बल तो ऐसे ही गोल गोल रहता है, मार्बल तो खदान में से निकला हुआ है। अभी वो तो समझ लो कि वो तो एक पत्थर ही है, अभी पत्थर तो लेके आता है, तब वो तो साइज देखता है कि भाई मेरे को 31 इंच की प्रतिमा बनानी है, तो इसमें से बन सके कि नहीं, ये किसको, इसको कैसे मैं ये टाकड़ा मार के खोदूंगा, उसके अंग उपांग कैसे बनाऊंगा, उसका ये शरीर का आकार कैसे बनाऊंगा, ये सब वो पहले विचार करता है वहाँ। तो ये पहले तो खदान में जाता है, वहाँ से पत्थर ढूंढता है, फिर उसको विचार में लेता है, फिर निर्णय में लेता है, फिर प्रतिमा बनाने के लिए वो कार्य शुरू करता है, इतनी प्रक्रिया उसमें होती है। तो ये उसने एक मार्बल वहाँ से पसंद करके अपने माने समझ लो कि ये करेली में लाया वो, अभी वहाँ उसने जब मार्बल पसंद किया ना, जब पसंद किया तब बालू में आपको उसने क्या देखा है उसमें, जब पत्थर था, जब मार्बल था, तब उसने वहां प्रतिमा देख ली है वहां पे। ऐसे ये देह देवड़ में अभी देह के देह है, संयोग में एक क्षेत्राव का देह है, संयोग में राग भी है, उस समय चैतन्य प्रतिमा है अंदर। तो माने कि ऐसा लगता है कि ये चैतन्य प्रतिमा कैसे ख्याल में आएगी, अभी तो देह है, अभी तो राग आदि भाव है, कैसे ख्याल में आएगी। वो शिल्पी वो पत्थर देखता है और पत्थर में प्रतिमा ही देखता है, पत्थर नहीं देखता, वो समझना, वो पत्थर देखता ही नहीं, वो सचमुच प्रतिमा ही देखता है। ये प्रतिमा है, इसमें प्रतिमा है, इसमें प्रतिमा है, इसमें हो जाएगी, इसमें नहीं होगी, इसमें नहीं होगी,
उसको जिसमें प्रतिमा दिखती है ना वो पत्थर वो पसंद करता है, वो मार्बल वो लेके आता है, फिर लेके आता है गांव में पहुंचता है, फिर वो निर्णय तो कर लिया उसने कि यहां प्रतिमा, इसमें प्रतिमा है, वो निर्णय हो गया है। अभी वह निर्णय तो यथार्थ हो गया उसका, अभी निर्णय को पक्का बनाना है उसको है? तो वो उसमें क्या होता है, उसमें प्रयोग चलता है, उसमें प्रक्रिया चलती है, उसमें प्रवृत्तियां चलती है। वो जब तक प्रयोग नहीं चले तब तक पक्का निर्णय तक नहीं पहुंचता है, वो निर्णय को दृढ़ करना पड़ता है, निर्णय के अनुसार वो पत्थर में से प्रतिमा निकालनी पड़ती है। अभी तो वो पत्थर ही है मगर फिर भी उसने देखी है प्रतिमा। जैसे ये देह देवल में परमात्मा अंदर विराजमान है, दिखता तो देह है मगर अपने को पता है अंदर चैतन्य प्रतिमा है, ये प्राप्त है इसलिए प्राप्ति होती है, नहीं हो तो कहां से निकले। तो फिर वो अपने गांव में आके फिर वो टांकड़ा लेता है, टांकड़ा बोलते हैं क्या बोलते हैं, छेनी, छेनी लेता है, फिर वो उसका निर्णय उसके पास है, वो पत्थर को देखता है मगर उसको प्रतिमा ही दिखती है, दिखती है प्रतिमा, पत्थर नहीं दिखता, वो प्रतिमा दिखती है ना, फिर वो टांकड़ा मारता है, यहां से निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, हाथ बनाता है, पैर बनाता है, उसका मन की चेहरा बनाता है, जो 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 उसके निर्णय में प्रतिमा बनी है ना, वो प्रतिमा तो बन गई है निर्णय में, वो निर्णय उसके पास है अंदर में, वो निर्णय के साथ साथ वो चलता है, निर्णय के साथ साथ चलते चलते वो उसको माने की टांकड़ा मारता है, ऐसे 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 करते करते वो मारता है और निर्णय को याद करता है, मारता है और निर्णय को याद करता है। ये प्रक्रिया जब तक प्रतिमा नहीं बनती तब तक चलती है उसकी प्रतिमा, उसका निर्णय चलता है, वो निर्णय की माने की प्रक्रिया में निर्णय आया, निर्णय को दृढ़ किया, फिर माने की बहुत सा हो गया उसका, तो फिर उसमें उसकी सफाई करने के लिए निर्णय को दृढ़तर करता है कि अभी तो ये हो गया है, अभी तो मेरे को इसको अच्छी तरह से सजाना है खाली, बाकी तो ये हो गया, मेरा निर्णय था ये मुझे दिखता है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो दृढ़ निर्णय वाले को दृढ़तर करता है कि बस ऐसी है ऐसी है, फिर वो बन जाती है तो फिर वो देख के उसकी माने पॉलिश करवाता है, उसकी शुद्धि करवाता है, उसकी सफाई करवाता है, तब उसका निर्णय माने कि दृढ़तम होता है, वो दृढ़तम निर्णय होता है तब प्रतिमा बनती है, तब वो अपना निर्णय था ने उसको याद करता रहता है और प्रतिमा को देखता है, याद करता रहता है और प्रतिमा को देता है, जब वो निर्णय अनुसार प्रतिमा दिखती है तब उसका नाम पक्का निर्णय और फल बोला जाता है, तब उसको पता चलता है कि ऐसी ही प्रतिमा मैंने देखी थी, ऐसी ही प्रतिमा अभी बन गई है, अभी उसमें और कुछ करने लायक नहीं है, ऐसी ही चैतन्य प्रतिमा देह देवड़ में रागादि होने पर भी देह से भिन्न राग से भिन्न चैतन्य प्रतिमा अंदर में विराजमान है। उसका जब जीव निर्णय करता है तो वो निर्णय जब होता है तो वो निर्णय से ही उसकी प्रक्रिया चलती है, वो निर्णय से प्रक्रिया चलती है, बाद में देह होने पर भी उसका लक्ष्य नहीं रहता, राग होने पर भी उसका लक्ष्य नहीं रहता, लक्ष्य जाता है तो फिर निर्णय में जाता है वो, तो वहां से लक्ष्य उठता है फिर निर्णय की तरफ लक्ष्य जाता है, ऐसी प्रक्रिया निर्णय के बाद में प्रयोग की चलती है जीव की, ऐसा प्रयोग चले उसको कहा जाता है कि चारों तरफ से विचार करके वो निर्णय को पक्का निर्णय में फिराना। निर्णय होता है बाद में निर्णय पक्का होता है मगर जिसको निर्णय ही नहीं है उसके लिए तो बहुत पुरुषार्थ है, इसलिए सबसे पहले में पहले तो मैं चैतन्य प्रतिमा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ध्रुव सत्व हूँ, ऐसा निर्णय पहले में पहले करना पड़ेगा। जितना वस्त्र शरीर से भिन्न है,
इतना ही शरीर से राग भिन्न है और इतना ही राग से आत्मा भिन्न है। ऐसी प्रक्रिया निर्णय जिसको होता है कि ये वस्त्र भिन्न है, शरीर भिन्न है, राग भिन्न है और चैतन्य प्रतिमा भिन्न है, ऐसा निर्णय का काल जिसका आता है तो सब की बात बाकी करते 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 जो बचता है वो मैं हूं, ऐसा उसको निर्णय में आ जाता है। वो निर्णय वाला आगे बढ़ते 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 अपनी चैतन्य प्रतिमा को प्रयोग में आके उसको ढूंढ लेता है। ऐसी अपनी सत्ता विद्यमान, जिसे कुछ हुआ ही नहीं उसमें, ऐसी ही वहां जो पत्थर में प्रतिमा है ऐसी ही चैतन्य प्रतिमा अंदर विराजमान है। और दूसरी बात कि प्रतिमा की स्थापना तो पहले वेदी शुद्धि से होती है। क्या? पहले तो वेदी की शुद्धि करते हैं ना, फिर जिन प्रतिमा की स्थापना करते हैं, तो वो वेदी है ना, वो ज्ञान की पर्यायी है, वो ज्ञान का उपयोग है। पहले में पहले तो वो ख्याल में आता है, राग से पृथक राग चल रहा है, मगर मुझे तो पता कहाँ चला, क्योंकि मुझे ज्ञान में पता चला राग चल रहा है, शरीर की क्रिया चल रही है, मुझे कहाँ पता चला, क्योंकि मुझे ज्ञान में पता चला। उसको बोला जाता है कि इसको अभी ज्ञान पकड़ में आने लगा है, ज्ञान ख्याल में आने लगा है, तो वेदी की शुद्धि शुरू होने का प्रयास ये जीव का चल रहा है। जब वेदी शुद्धि होगी तब ही प्रतिमा की स्थापना वहां हो सकती है। इसलिए पर्याय में द्रव्य विराजमान हो जाता है और द्रव्य में पर्याय अहम कर लेती है। उसको बोला जाता है चैतन्य प्रतिमा का निर्णय, उसको बोला जाता है ज्ञायक भाव की श्रद्धा, उसको बोला जाता है ज्ञायक भाव का ज्ञान। इस तरीके से ये सब प्रक्रिया चलती है। निर्णय की बहुत मुख्यता ये मार्ग में है। गुरुदेव ने भी बहुत बार निर्णय की बात की है। निर्णय इसे ही कहा जाता है कि जो पदार्थ के लिए जीव निर्णय करता है उसके लिए फिर से उसको विचार नहीं करना पड़ता, उसका नाम वो पदार्थ का निर्णय है। उस पदार्थ के लिए फिर से निर्णय करना पड़े तो वो पदार्थ का वो जीव को निर्णय हुआ नहीं है। जिसको निर्णय होता है वो जीव फिर से वो चीज का, वो पदार्थ का, वो वस्तु का विचार नहीं करता, उसके निर्णय में बैठ गया है कि यही मेरा सत्व है, यही मेरा स्वरूप है। अपन अपने घर में प्रवेश करते हैं ना, अपने घर में प्रवेश करते हैं है? तो जैसे आपके घर में प्रवेश करते हैं तो इतने कमरे हैं, इतनी सीढ़ियां हैं, पता ही नहीं चलता हमको कौन से रूम में जाना है, हैं? मगर एक बार अंदर चले जाते हैं ना तो फिर ढूंढना ही नहीं पड़ता। क्यों? कि निर्णय हो गया है कि इधर से यहां ही जाना है। निर्णय वाले को फिर से विचार नहीं करना पड़ता, उसी का नाम निर्णय है। ऐसा निर्णय पहले में पहले होना चाहिए। जब तक निर्णय नहीं है, स्वभाव का निर्णय नहीं है, अपनी चैतन्य सत्ता का निर्णय नहीं है, तब तक उसके पास कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ बोलते हैं कि ऐसे संस्कार डालो तत्व के, ऐसे ज्ञायक भाव के संस्कार डालो कि वो परंपरा में बाहर आके ऐसे निकले कि शुद्धि ही प्रकट होती रहे, अशुद्धि बाद में होवे तो भी उसके पर लक्ष न जाए और शुद्धि की पर्याय ही प्रकट होती रहे। इसका नाम संस्कार है। इसको कहते हैं कि कदाचित वर्तमान में पुरुषार्थ में कचास रही हो और कार्य न हुआ हो तो भी सत के उंडे संस्कार अगर उसने डाले हो तो दूसरी गति में भी वो प्रकट, माने कि दूसरी पर्याय में भी प्रकट हो जाएगा। इसलिए सत का उंडा संस्कार, गहरा संस्कार अंदर डाल। गहरा संस्कार का मतलब क्या है कि बार 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 वही विचार कर दो और सब विचार छोड़ दे। पर्याय में क्या हुआ, विभाव क्यों हो रहा है, मिथ्यात्व कैसे दूर होगा, राग दूर क्यों नहीं हो रहा, राग की तीव्रता क्यों चल रही, मंदता क्यों नहीं हो रही, वो विचार को साइड में रख दे
और तत्व का, जीव तत्व का विचार को आगे कर, उसका विचार को आगे करेगा ना तो वहां सब ममता सहज में हो जाएगी। उसकी योग्यता ही ऐसी होगी कि मंद राग ही वहां से प्रकट होगा, माने कि तीव्र राग प्रकट ही नहीं होगा, कसाई की मंदता ही शुरू हो जाएगी। जो जीव ज्ञान और ज्ञायक का प्रयत्न पुरुषार्थ करता है उसकी विपरीत पर्यायों में भी इतनी मंदता कसाई की हो जाती है कि वो कसाई भी वहां से भागना चाहता है कि अभी यहाँ मेरी कोई जगह नहीं है, यहाँ से जल्दी जल्दी चले जाओ। इसलिए संस्कार की बात बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर वस्तु के स्वरूप का संस्कार डालना चाहिए, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। देखो इसके बाद का एक बोल अपन ले लेते हैं, 105 नंबर का बोल है। ये तीनों बोल है ना वो एक जोड़ा है, जोड़ा है। देखो इस पर क्या बोलते हैं, एक पर्याय दूसरी पर्याय को तो छूती नहीं, एक पर्याय है वो पर्याय में संस्कार डाला है। अभी वो पर्याय तो व्यय होके पारिणामिक भाव हो गई, गुण रूप हो गई, अभी दूसरी पर्याय तो नई अंदर से प्रकट हुई है। पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय के साथ तो कोई स्पर्श नहीं है, कोई संबंध भी नहीं है, क्योंकि वर्तमान पर्याय का उत्पाद स्वतंत्र होता है और पूर्व पर्याय का व्यय स्वतंत्र व्यय रूप हो गया है, वो हो गई है गुण रूप, ये पर्याय हुई है उत्पाद रूप। तो एक पर्याय का दूसरी पर्याय से कोई माने कि स्पर्श तो है नहीं। तो वो श्रोता पूछता है, देखो ये श्रोता का ज्ञान भी कितना काम कर रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसा प्रश्न भी जिसका काम ज्ञान कर रहा हो ना उसे ही उठता है, वो अभ्यास होता है उसको कि वर्तमान पर्याय क्या, पूर्व पर्याय क्या, संस्कार क्या, संस्कार कहाँ जाते हैं, फिर वर्तमान पर्याय में कैसे आते हैं। अंदर से तो कोई संस्कार लेके तो पर्याय नहीं आती, पर्याय तो वर्तमान में उत्पाद में प्रकट होता है संस्कार, तो वो अंदर से कहाँ से लेके आई, पूर्व पर्याय का संस्कार वर्तमान पर्याय में कैसे काम में आएगा, ऐसा प्रश्न श्रोता ने उठाया है। उनको पूरा नॉलेज है ज्ञायक भाव का, पूर्व पर्याय की व्यय का गुण रूप हुई उसका भी नॉलेज है, वर्तमान पर्याय स्वतंत्र प्रकट हुई उसका भी नॉलेज है। वो नॉलेज लेके इतना ख्याल होने पर भी उसको अभी उसमें निर्णय नहीं हो रहा है, इसलिए गुरुदेव के पास आता है वो और गुरुदेव को प्रश्न पूछता है कि आप बोलते हो कि संस्कार डालोगे तो ये भव में तुझा पुरुषार्थ नहीं चला तो अगले भव में काम आएगा, दूसरी पर्याय में काम आएगा, और ये संस्कार का पर्याय का संस्कार तो पारिणामिक भाव हो गया, अभी वो दूसरी पर्याय में काम कैसे आएगा, एक पर्याय दूसरी पर्याय को तो स्पर्श ही नहीं करती, और आप बोलते हो कि कोई बात नहीं पुरुषार्थ नहीं चला तो दूसरी पर्याय में तेरा काम हो जाएगा, तो हमें ये बात समझ में नहीं आती। आप बोलते हो, आप ही बोलते हो एक पर्याय दूसरी पर्याय को छूती नहीं, आप ही बोलते हो कि व्यय पूर्वक उत्पाद होता है मगर व्यय से उत्पाद नहीं होता, तो फिर एक पर्याय और दूसरी पर्याय का संबंध ही नहीं है, तो पूर्व के संस्कार दूसरी पर्याय में काम कैसे आएंगे, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। ये प्रश्न सबको होता है। संस्कार की बात ऐसी है ना कि जीव को ऐसा लग रहा है कि देखो अनादि से मनुष्य गति अनंत बार मिली है उसको, नहीं मिली ऐसा नहीं है। मनुष्य देव तिरियंच नारद चारों गति का परिक्रमण अनादि से कर रहा है जीव, तो स्वर्ग में भी अनंत बार गया है, अनंत बार गया है स्वर्ग में, नहीं गया ऐसा नहीं है। तो स्वर्ग में कौन जाता है, बहुत शुभ भाव किए हो, बहुत से माने शुभ भाव किए हो उसको, वो स्वर्ग का देव बन जाता है, ठीक है। तो फिर भी इतने इतने शुभ भाव के संस्कार डाले, फिर भी फिरते 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 यहां भरत क्षेत्र में क्यों आ गया, भरत क्षेत्र में मिथ्यात्मी जन्म लेता है, मिथ्या दृष्टि का जन्म ही भरत क्षेत्र में होता है, सम्यक दृष्टि तो यहां जन्मते ही नहीं। तो इतना माने कि काम कर लिया है उसने परलक्षी भाव में, तो फिर से बार बार मिथ्या दर्शन और भरत क्षेत्र में जन्म क्यों ले लेता है, तो संस्कार की क्या कीमत हुई, कौन से संस्कार काम में आते हैं और कौन से संस्कार खाली गति के परिणाम में काम में आते हैं, ये जीव की सोच में चलता नहीं है। ये ज्ञायक के संस्कार है ना वो गति का अभाव करने वाले होते हैं,
और बाह्य स्वभाव का संस्कार होते हैं वो गति देने वाले होते हैं। दो प्रकार के संस्कार पड़ते हैं जीव के, क्या? एक संस्कार पड़ते हैं चैतन्य तत्व के संस्कार, विनायक भाव के संस्कार, अपना स्वरूप का संस्कार, अपना स्वभाव का संस्कार। वो संस्कार जो होता है वो आगे निकल के उसको सम्यक दर्शन में परिणमित होता है। और दूसरा एक संस्कार होता है परलक्षी भाव का संस्कार, विभाव का संस्कार। चाहे परलक्षी भाव में सच्चे देव शास्त्र गुरु भी हो, होता भी है। ऐसा नहीं है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु अपने को पहले कभी नहीं मिले, अनंत बार मिले हैं, नहीं मिला ऐसा नहीं है। तो वो संस्कार परलक्षी संस्कार है। ये जो नायक भाव का संसार है वो स्वलक्षी नहीं कहा जाता, मगर स्वलक्ष्य करने के लिए संस्कार पड़ते हैं। तो वो संस्कार में और वो संस्कार में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। वो संस्कार गति में निमित्त पड़ता है, उनसे क्या होता है अच्छी गति मिल जाती है। अच्छी गति मिलती है, नहीं मिलती ऐसा नहीं है, मगर अपने को तो गति का अभाव करना है। अपने को गति नहीं चाहिए है? अपने को गति थोड़ी चाहिए, अपन तो गति का अभाव करने के लिए पूज्य गुरुदेव श्री के पास आते हैं। तो ऐसा संस्कार जब जीव डालेगा तब गति का अभाव होगा। इसलिए यहां प्रश्न पूछा है कि एक पर्याय दूसरी पर्याय को छूती नहीं तो पूर्व के संस्कार दूसरी पर्याय में काम कैसे आ सकते हैं? देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जवाब देते हैं, देखो एक पर्याय दूसरी पर्याय को तो छूती नहीं, ये बात तो ऐसी ही है, वो तो सत्य बात है। उसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई संस्कार ली, संस्कार दूसरी पर्याय में आया इसलिए वो पर्याय ने कुछ उसको दे दिया, वो पर्याय का उस उसका स्पर्श है, एक पर्याय का दूसरी पर्याय का छेड़ा ऐसे स्पर्श हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल है नहीं, क्योंकि ये पर्याय परिणामी भाव हो गई है, ये पर्याय वर्तमान उत्पाद ऊपर से उठा है, वो उठने वाला पर्याय है, वो ध्रुव में नहीं है, वो स्वतंत्र उठा है, इसलिए उसके संस्कार स्वतंत्र है। और अंदर गई है पर्याय, उसके संसार अंदर संस्कार अंदर पारिणामिक भाव में चले गए, इसलिए एक पर्याय को दूसरी पर्याय के साथ बिल्कुल संबंध पहले में पहले तो है ही नहीं। क्योंकि जो होते तो मिथ्यात्म की पर्याय सम्यक दर्शन की पर्याय में निमित्त बन जाती है। अगर एक पर्याय का संस्कार दूसरी पर्याय का कारण बनता तो समझ लो कि मिथ्यात्म की अवस्था में ही तो संस्कार डले है, तो पूर्व की मिथ्यात्म की पर्याय अंदर गई और अभी सम्यकत्व की पर्याय हुई, तो मिथ्यात्म की पर्याय का संस्कार सम्यकत्व में निमित्त बनता है? बिल्कुल नहीं बनता है। इसलिए एक पर्याय से दूसरी पर्याय में संस्कार आवे, गुरुदेव बोलते हैं ये बात तो है ही नहीं, ये बात को तो तुम याद ही मत करना, सोचना ही मत, मान के यहां सिद्धांतिक बात लगाई। एक पर्याय दूसरी पर्याय को स्पर्श करती नहीं है, वो संस्कार की बात की, फिर ये पर्याय का प्रश्न आया, तो गुरुदेव अपने सिद्धांत एकदम बराबर रख के सब बात करते हैं। और सब श्रोता को इस तरीके से ही विचार में सोच में लेना चाहिए, सिद्धांत में कभी बांध छोड़ नहीं करनी चाहिए कि कोई अपेक्षा से ऐसा भी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कोई अपेक्षा से तो मनुष्य है, तो कोई अपेक्षा से तुरियज भी है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए द्रव्य पर्याय का स्वरूप जैसा है, जब तक ये समझ में नहीं आता तब तक कितना भी जीव पुरुषार्थ कर ले, पुरुषार्थ यही करना चाहिए कि द्रव्य पर्याय को कैसे समझना, बस ये ही पुरुषार्थ है। एक सामान्य सत्ता है, एक विशेष परिणमन रूप सत्ता है। एक सामान्य सत्ता ऐसी नैसी रहती है, एक परिणमन सत्ता परिणमती रहती है। जैसे रोटी है, रोटी तो रोटी किसकी बनती है, तो क्या आटा की बनती है, तो भी रोटी है वो रोटी का नाम तो पर्याय हो गई। अभी रोटी में पर्याय में देखो तो मटेरियल कौन सा है, पूरी में देखो तो मटेरियल कौन सा है, दूसरा कुछ भी आप पराठा बनाओ तो मटेरियल कौन सा है, तो कि मटेरियल तो आटा है, मगर पर्याय पृथक 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 हो रही है। मटेरियल एक ही है, द्रव्य एक है, पर्याय पृथक 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 हो रही है। तो इस अपेक्षा से द्रव्य पर्याय को, जैसे अपन क्या बोलते हैं आप, सोना, सोना सोना ही बोलते हैं ना, सोना देखो आप,
उसके घाट तो बहुत से बन जाते हैं, एक घाट, दूसरा घाट, तीसरे घाट। ये बहने होती है ना, माता बहने की नजर घाट पर ही रहती है, सोना पर ही जाती नहीं। नया घाट आता है तो तुरंत घर में बोलती है अपने पति देव को कि किसी को भी कि अपने को तो नया अभी घाट बनाना ही पड़ेगा। उनको घाट की कीमत होती है, सोना की कीमत नहीं होती। और सोनी होता है सुना, उसको सोना की ही कीमत होती है, घाट की बिल्कुल कीमत नहीं होती। ऐसे अपने को द्रव्य की कीमत लगाना, पर्याय की कीमत लगाना ही मत, याद ही नहीं करना पर्याय को। मैं द्रव्य हूं, मैं त्रिकाल सत्ता हूं, वो कहने वाली पर्याय है, मगर वो पर्याय अपना अस्तित्व माने कि अपना पर्याय पना छोड़ देती है और कहती है मैं द्रव्य हूं, मैं त्रिकाल, मैं शुद्ध हूं, मैं शाश्वत हूं। उसका नाम ही उसको पर्याय कही जाती है, नहीं तो वो पर्याय है ही नहीं। तो ऐसे एक पर्याय दूसरी पर्याय को स्पर्श करे, ऐसा तो पहले में पहले गुरुदेव बोलते हैं बिल्कुल है ही नहीं। वो बात तो ऐसी ही है कि एक पर्याय दूसरी पर्याय को टच करती नहीं है, मगर वर्तमान पर्याय में ऐसा जोरदार माने कि जोर से संस्कार डाला होगा तो उसका जोर दूसरी पर्याय में प्रकट हो, ऐसी ही वो उत्पाद की पर्याय की स्वतंत्र योग्यता होती है। क्या बोलते हैं, एक पर्याय में माने कि जोर शोर से मैं ज्ञायक ही हूं, मैं चैतन्य ही हूं, मैं ध्रुव ही हूं, मैं परिपूर्ण तत्व ही हूं, ये अधुरास वाली पर्याय प्रकट होती है, या तो ये पूर्णता वाली पर्याय प्रकट होती है। वो मेरा स्वरूप ही नहीं है, मैं तो खुद परिपूर्ण परमात्मा हूं, ऐसा संस्कार जोर शोर से बहुत सी पर्याय में जीव ने जब डाला होता है, तब वर्तमान पर्याय पर्याय प्रकट करने का स्वकाल ऐसा आता है, वो उसकी स्वतंत्र तत्समय की योग्यता है। पूर्व पर्याय से बिल्कुल उसमें कुछ नहीं हुआ। अगर पूर्व पर्याय से होता हुआ होता होगा तो वो सब पर्याय में मिथ्यात्व था, तो मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन की प्रवृत्ति का माने कि गलत फहमी जीव को शुरू हो जाती। इसलिए पूर्व पर्याय में संस्कार ध्रुव के डाले तो वर्तमान पर्याय की स्वतंत्र योग्यता ही ऐसी होती है कि वो सहज में ऐसा ही चैतन्य सत्ता वाला परिणाम ही उसमें से निकलता है, उसको संस्कार बोला जाता है। संस्कार एक पर्याय दूसरी पर्याय को दे नहीं सकती, संस्कार कोई पर्याय सचमुच में अंदर लेके जाती नहीं। पहली बात, संस्कार लेके पर्याय अंदर नहीं जाती, वो पर्याय में जो संस्कार पड़े हैं उसकी योग्यता अंदर जाती है, संस्कार नहीं जाते। संस्कार एक समय के परिणाम में होता है, क्रिया में, उसकी योग्यता माने कि उसका ज्ञान लेके पर्याय अंदर जाती है, संस्कार अंदर नहीं जाता। संस्कार अंदर जाता तो मिथ्यात्व को भी अंदर जाना पड़ता, तो राग को भी अंदर जाना पड़ता। मोह राग द्वेष एक समय की पर्याय का परिणाम है, वो बाहर रह जाता है और उसकी योग्यता पर्याय में लेके पर्याय अंदर चली जाती है। इसीलिए वर्तमान पर्याय प्रकट होती है तो उसमें पूर्व पर्याय में से कुछ नहीं आता है, वर्तमान पर्याय ही उत्पाद रूप अंदर से होती है और पर्याय का परिणाम शुद्ध होता है, तो बोला जाता है कि ये जीव ने पूर्व पर्याय में संस्कार डाले थे वो अभी ये पर्याय में उदित हो गए। ऐसी बात यहाँ कहना चाहते हैं कि ऐसी ही उत्पाद पर्याय की स्वतंत्र योग्यता है। उत्पाद पर्याय ना पर्याय के सामर्थ्य से स्मरण में आता है, माने कि उत्पाद पर्याय का सामर्थ्य से ही स्मरण में वो संस्कार आया ऐसा कहने में आता है। वास्तव में एक पर्याय दूसरी पर्याय को संस्कार देती नहीं, ध्रुव में से ही ऐसी योग्यता वाली पर्याय निकलती है कि जिसको बोला जाता है सम्यक दर्शन हो गया तो बोला जाता है कि ये जीव तो बहुत पुरुषार्थ करता था। सुगानी जी थे, वो तो ऐसे बैठते थे कि हमने उसको देखा हुआ है, उसको तो सम्यक दर्शन हुआ, वो बराबर ही है, होना ही चाहिए उसको। उसके कैसे संस्कार थे, चार चार पाँच पाँच घंटा भगवान के सामने बैठे रहते थे, पूजा का कोई बोलते थे तो पूजा ही करते थे, शास्त्र स्वाध्याय का बोलते थे तो पाँच पाँच छः छः घंटा शास्त्र स्वाध्याय ही करते रहते थे। तो माने कि वो संस्कार के ऊपर आरोप करने में आता है कि ऐसा संस्कार था तो ऐसी पर्याय प्रकट हुई, ये आरोपित कथन है।
वास्तव में सतरूप वर्तमान पर्याय की योग्यता का परिणाम है, उसी को संस्कार प्रकट हुआ ऐसा कहने में आता है। ऐसा स्वरूप समझकर सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करें, इसी में।